पोको के F6 डिवाइस के लिए QPR 2 DevFist का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद आने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इंप्रूव्ड हुई है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टिल अभी सेम देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि अगर आप इसे यूज करते हो तो परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी का स्टैंड बाई वगैरह और बाकी तरह चीज़ें कैसी मिलती है नॉर्मल यूजेज पे, और परफॉर्मेंस बूस्ट करने पे क्या कुछ डिफरेंस आता है। इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी डिटेल पता चल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। राइट टू वेक की बात करें तो आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, फिंगरप्रिंट काफ़ी सही तरीके से काम कर जाता है। QoS के अंदर आपको कोई लैग स्टार्टिंग में नहीं देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और बिल्कुल ये स्मूथली यहाँ पे आपका जो रिस्पांस देता है। साथ साथ यहाँ पे जो कैमरा है वो हमारा लाइका वाला कह सकते हो या फिर हाइपर कह लो, ये वर्किंग रहता है नो इशूज। साथ ही साथ यहाँ पे आपको BCR दिया गया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, यानी कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं आने वाला। डॉल्बी यहाँ पे अपडेटेड है तो लेटेस्ट चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है डॉल्बी से रिलेटेड, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती। सेटिंग के अंदर आते हैं तो अबाउट फोन का लुक लास्ट टाइम ही बदल दिया गया था QPR 2 जो मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था, तो यहाँ पे लुक वगैरह चेंज है। हमारे मेंटेनर का आपको नेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बिल नंबर वगैरह और मोर इन्फो पे आते हैं तो यहाँ पे रेडियो इन्फो भी मिलेगा। और यहाँ पे इसका है जो 15.2 का एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है। बाकी बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे मिलता है सिस्टम, जहाँ पे आपको नेविगेशन मोड, सिस्टम प्रोफाइल वगैरह, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल टास्क बार भी दिया गया है। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था इसके बीच में गैप है जो कि मे बी ये नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। यहाँ पे सिस्टम का जो है डायग्नोसिस फीचर्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी के अंदर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो वर्किंग है, और ये V5 यूज़ किया गया है चाहे वो आपका थर्मल प्रोफाइल हो या फिर यहाँ पे टर्बो का हो या फिर आपका यहाँ पे पावर टूल वगैरह हो। और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्यूरेट है जो यहाँ पे GPU के डिटेल्स नहीं शो कर रहा था, तो इसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया, अपडेट किया गया ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आपको इनका ज़्यादा नॉलेज है तो यहाँ से कस्टमर करके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप यहां पे आके जो कि हमारा किधर गया भाई ये इसका यूज करते हो अपने सिंगल एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आप इसे अगर यूज करते हो तो वो काम नहीं करेगा, उसे यूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। और साथ साथ यहाँ पे टर्बो चार्जिंग है, जहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि टर्बो चार्जिंग काम करता है बट उतना ज़्यादा फील नहीं होता कि भाई 90 वॉट से हम चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंपैरिजन भी शो करना चाहूँगा हमारे इस पोको के F5 डिवाइस के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे चार्जिंग स्पीड टेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं दोनों का तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है। 20 मिनट तक मैंने इसे चार्ज किया था जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे कितना गया है 41, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 मिनट में ये है जो 54 गया है, यानी ये थोड़ा ज़्यादा बेटर फास्ट चार्जिंग यहाँ पे एक्सेस किया है जबकि यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं किया, और मैंने यहाँ पे बैटरी प्रोफाइल में आकर 90 वॉट को सेट कर रखा था। ये थोड़ी सी मुझे वियर्ड लगी है जो कि शायद आप देख लेना आपके साथ क्या होता है। बाकी यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं कॉमन वाले हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेफ्टी, इमरजेंसी, पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रॉपर काम करता है। मोड्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, इसमें भी कुछ नया ऐड हुआ नहीं है जो कि मैं आपको शो कर सकूं। और जो वॉलपेपर मैं यूज कर रहा हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस से रिलेटेड एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है कि ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हाई है इस बार, क्योंकि आप देखोगे ब्राइटनेस को मैंने काफ़ी लो पे सेट कर रखा है, जबकि मोस्टली रोम का रिव्यू करता हूँ तो मैं 50 या 70 के आसपास उससे परसेंटेज पे रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहता है, तो आउटडोर में तो आपको ज़्यादा से भी दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे जो HBM वगैरह है ये भी आपका जो इम्प्रूवड है, हाई टच पॉलिंग रेट वगैरह देखने को मिल जाता है, पर एफ रिफ्रेश रेट, टैप टू बैकअप वगैरह, यहाँ पे डिस्प्ले का नॉच कटआउट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हद तक सही और प्रॉपर काम भी करता है, तो इसमें भी आपको दिक्कत है जो नहीं आती। फेस अनलॉक वगैरह भी आपको यहाँ पे सही तरीके से काम करेगा तो नो इशूज। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका कस्टमाइजेशन, जहाँ से आप डार्क मोड वगैरह ऑन एंड ऑफ कर सकते हो जो कि बाहर में ही दे दिया गया जो कि देखने में अच्छा लगता है। और ये नॉर्मल जब से मोड इंजन ऐड हुआ है ना गूगल में, जब से ये फीचर्स हमें देखने को मिल रहा है भी स्टिल है। और यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर वही सारे कॉमन ऑप्शंस मिलते हैं कि पुल डाउन वगैरह का, QoS का, हेडर्स वगैरह का, और आप देखोगे जब भी मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इमेज है जो चेंज होता रहता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी सही लगी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे स्मार्ट का चिप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन मिल जाता है, अनदर यहाँ पे बटन के अंदर देखने को मिलता है लॉन्ग स्वाइप वगैरह के ऑप्शन, पार्सल स्क्रीन शॉट वगैरह, लॉक स्क्रीन पे आपको एज लाइट वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि आप कर सकते हो। मिसलेनियस के अंदर कुछ स्पूफ वाले फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपके प्रॉपर काम करते हैं, जैसे कि आप
पे देख पा रहे हो, जिसमें आपको दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी आप अपने फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर को ओपन करके चेक करोगे डिवाइस सर्टिफाइड या नहीं, तो आपको फेल दिखाई देता है। तो बस एक बार आपको डेटा क्लीन कर लेना अपने प्ले स्टोर का, दोबारा चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पास दिखने लग जाएगा। और यहाँ से भी आप देखोगे कि आपका जो दोनों पास रहते हैं, जो कि बेसिक वाले हैं और बाकी एक और आपको देखने को मिलता है, बट स्ट्रॉन्ग वाला आपको जो फेल ही देखने को मिलता है। बट इससे कोई दिक्कत नहीं आती, आप बैंकिंग ऐप आसानी से यूज कर पाओगे, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात व्हाट्सएप वगैरह, तो यहाँ पे काम करता है, कोई इशू नहीं आया। कुछ अदर एप्लीकेशन भी मैंने ट्राई किए तो वो भी हमारा प्रॉपर काम करता है। और जैसे कि कस्टमरों में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है हर जगह पे, वो है एचडीआर का। तो यहाँ पे एचडीआर से रिलेटेड मुझे दिक्कत नहीं आया उतना ज्यादा जितना कि पहले हमें देखने को मिलता था। जैसे कि किसी भी फोटो ऐप को मैं अगर यहाँ पे ऑन करता हूँ फोटो वाले एप्लीकेशन के अंदर और एडिट करने आता हूँ, तो यहाँ पे जब भी हम रिसेंट पे आते थे तो काफी ज्यादा ब्राइटनेस का दिक्कत होता था, एचडीआर इशू देखने को मिलता था। तो ये चीज मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और सेम चीज मैंने यहाँ पे चेक किया यूट्यूब के अंदर भी, जब भी मैं कोई एचडीआर कंटेंट यहाँ पे प्ले करता हूँ तो उसमें भी मुझे कुछ खास दिक्कत है जो नहीं आया। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्ले करके आपको दिखा ही देता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो एचडीआर तो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हल्का डिम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट आपको देखने को मिल रहा है। और मैं इसे रिसेंट प्ले किया जाता हूँ तो यहाँ पे उस तरीके से जो कि पहले दिक्कत आती थी वैसे नहीं है। बट हाँ, एक दो आपको फ्लिकर फील होगा जो कि शायद इस वीडियो में आपको जो नोटिस हो रहा होगा। वीडियो प्ले किया, रिसेंट पे डाला, एक दो बार देखो फ्लिकर हुआ, लेकिन फिर से ये नॉर्मल हुआ। तो काफी हद तक इंप्रूव हुआ है जो कि मुझे अच्छा लगा। और हाँ, इस जगह पे सम टाइम मुझे क्यूएस के अंदर लैग भी नोटिस हुआ है जब मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो, बट अभी के टाइम पे आप ये देख रहे हो कि ये नहीं है। तो और कहीं पे नहीं दिखाई दिया, इस टाइम पे ही मुझे देखने को मिला था, जो कि सोचा कि आपको बता देना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें इंप्रूव्ड हुई है जो कि अच्छी बात है, मुझे पसंद आया है। मे बी आगे वाले अपडेट में और भी ज़्यादा यहाँ पे फिक्स हो, इंप्रूव हो। अब रही बात यहाँ पे टेस्टिंग रिजल्ट वगैरह क्या कुछ आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैमरा वगैरह चेक किया था और ये है इसके सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन। तो कैमरा हमारा काम करता है, नो इशूज, डिवाइस आपका सर्टिफाइड हो मैंने शो कर ही दिया है। यहाँ पे आपका फोटो स्टोरेज भी अनलॉक मिलता है। ये है नॉर्मल टेस्टिंग हमारा Antutu का, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बट मैं कहूँ कि अच्छी बात है कि ऐसे डाउन परफॉर्मेंस में आपको बैटरी बैकअप इंप्रूव मिलता है। बट जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आप प्रोफाइल का यूज करो, परफॉर्मेंस बूस्ट करो, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और हीटिंग ज़्यादा नहीं गया यहाँ पे, ओनली 44 गया है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। ये हमारा नॉर्मल टेस्टिंग जहाँ पे CPU टोटल काफ़ी ज़्यादा टोटल कर देता है, लेकिन जैसे मैं प्रोफाइल बूस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट जो कि 4,18,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,56,000 है। कोई भी यहाँ पे भाई AC कूलर का यूज नहीं हुआ है, नॉर्मल फैन का यूज किया गया है, उसमें भी टेम्परेचर इसने काफी अच्छा मेंटेन किया है, टोटल भी नहीं किया। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे पसंद आया है जो कि आपको अच्छा लगने वाला है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 54 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है 51, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है। और चैनलों के हिसाब से आइडियल ड्रेन वगैरह भी इंप्रूव किया गया है, बट मुझे सिमिलर लगा है जैसे कि लास्ट टाइम वाले अपडेट में भी हमें देखने को मिला था। यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी तरह चीज़ों की, जो कि चार्जिंग मैंने आपको अभी कंपेयर करके दिखाई दिया पोको F5 के साथ की सिमिलर है, कहीं ना कहीं वही ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे आप देखो चैनलों के अंदर एक चीज़ है जो कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो फोकल टेक पैनल है उसका टच काम नहीं करता था, वो फिक्स हुआ या नहीं। तो हाँ, फिक्स हो गया, बट स्टिल जो ऑडियो डेट का प्रॉब्लम था वो देखने को मिलता है। और ये सारे चैनलों है जो कि थोड़े बहुत इंप्रूव किए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बट नए फीचर्स के नाम पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अपडेट रियली में काफ़ी सुपर है, लास्ट टाइम वाला अपडेट भी काफी अच्छा रहा था, बहुत लोगों को पसंद आया था, और ये अपडेट भी काफी ज्यादा बेटर मुझे लगा है और आपको पसंद आने वाला है अगर कंपेयर करें बाकी अदर कस्टमर रोम के कंपैरिजन में। रही बार डालना कैसे, तो लास्ट टाइम कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई चैनलों के साथ जो इंस्टॉलेशन दिया गया उसमें 2 टाइम इंस्टॉल करने के बारे में बताया गया, तो हाँ वो फॉलो कर सकते हो या फिर मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे भी फॉलो कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम नॉर्मल इंस्टॉल करना है, सेकंड टाइम फिर से नॉर्मल इंस्टॉल करके फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉलो कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे करने से कुछ चीज़ें जो बेटर होती है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी ऐड करूँगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं इंस्टॉलेशन ऐड कर देता हूँ, देख लेना और इंस्टॉल कर लेना अपने फोन के अंदर। और वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। स्टेप बता रहा हूं, उसे ध्यान देना है और फॉलो करना है। पावर ऑफ करने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन है जो फास्ट बूट पे ऑन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका। अब आपको अपने फोन को PC से कनेक्ट करना है। अगर आपके पास PC नहीं है, आपके पास सिर्फ फोन ही है, आप फोन मेथड फॉलो करना चाहते हो, तो मेरा फोन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का नाम रख रखा है विदाउट PC फ्लैशिंग गाइड, तो उसे देख लेना, उसमें वीडियो मिल जाएगा विदाउट PC के फ्लैश करने का मेथड। उसे देख के सेम मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आप अपने फोन पे भी फॉलो कर पाओगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट फाइल आपको बताई गई है वो सभी डाउनलोड करके अपने PC पे रख लेना है, या फिर आप फोन से कर रहे हो तो फोन में रख लेना है। और एक प्लेटफॉर्म टूल की जरूरत पड़ेगी PC पे, जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है और इसी के अंदर सारी फाइलों को मूव कर लेना है जो भी रिक्वायर्ड फाइलें हैं। तो मैंने यहाँ पे मूव कर लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जो कि आपको बता सकूँ। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल के अंदर टाइप करना है CMD,
यहाँ पे टाइप करती है, विंडो आपका ओपन हो जाएगा जिस पे आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है नहीं, तो उसका कमांड टाइप करना है वो डिवाइसेज इंटर। जैसे करोगे यहाँ पे कोड नजर आ जाएगा यानी कनेक्टेड है नहीं है, तो आपको ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। अब जरूरत है रिकवरी फ्लैश करने की, हमेशा सपोर्टेड रिकवरी ही यूज करना, अगर सेम रोम है तो उसी का रिकवरी ले लेना, नहीं मिल रहा है तो किसी और रोम का भी रिकवरी आप यूज कर सकते हो, बस काम करने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया कमांड डालने के बाद और इंटर पे क्लिक, यहाँ पे फ्लैश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। एरर आया तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए, मे बी रिकवरी का प्रॉब्लम है या फिर ड्राइवर का या फिर केबल का। अब यहाँ पे फ्लैश हो जाने के बाद नेक्स्ट कमांड डालेंगे फास्ट बूट रिबूट रिकवरी और इंटर पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका फोन स्विच करेगा रिकवरी के मोड में। हमारा रिकवरी आ चुका, आपका डिफेंड रोम रहेगा तो उसी के नाम से इसी लुक में डिफेंड नाम का रिकवरी आपको नजर आएगा, लेकिन यूजर इंटरफेस काफी हद तक ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना है, अगर आपका टच काम करे तो टच का यूज करते हुए आप फैक्ट्री रीसेट कर लेना, अदरवाइज वॉल्यूम अप एंड डाउन और ओके बटन यानी पावर बटन का यूज करते हुए आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हो जाने के बाद इंस्टॉल अपडेट पे आना है, एडीबी साइड लोड पे आना है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ जाएगा एडीबी साइड लोड, ये सेम चीज आपको पीसी पे टाइप करना है। टाइप कर दिया, अब जो भी रोम आप फ्लैश कर रहे हो जो भी सपोर्टेड है उसे आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अगर आपको रिक्वायर्ड किया गया है FW फ्लैश करने के लिए तो सेम ये कमांड डालने के बाद आप जो FW को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, जो भी फाइलें हैं सबसे पहले डाल लेना उसके बाद रोम को डालना। तो मैंने रोम डाल दिया क्योंकि FW यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इंटर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि 5-10 मिनट का टाइम लेगा। अगर यहाँ पे एरर आता है तो केबल को डिस्कनेक्ट करना, फोन को फिर से रिबूट कर लेना और फिर से ट्राई करना, आपका फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद लास्ट में इस तरीके से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है यस नो का, तो आपको यहाँ पे यस करना है जिससे आपका रिकवरी को रिबूट होके है जो फिर से ऑन होगा। अगर आप किसी डिफरेंट रोम का रिकवरी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे रिबूट के टाइम पे आपका रिकवरी चेंज हो सकता है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लेना, चेंज हो रहा है तो होने देना है। और मे बी कुछ ऐसे रोम रहते हैं जैसे कि रिसेंटली मैंने यप रोम फ्लैश किया था, उसमें इसी टाइप का रिकवरी है लेकिन वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, उसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं बट प्रोसेस सेम ही रहेगा साइड लोड वाला जो कि ADB साइड लोड है, तो बस सेम फॉलो करते रहना। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लैश कर लिया, इसमें ना ही मुझे निक गैप डालने की जरूरत है ना ही FW डालने की जरूरत है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालूंगा, लेकिन आपको डालना है एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड की गई है तो क्या करना है, सिंपल से फिर से यहाँ पे इंस्टॉल ADB पे आना है और कमांड आपको टाइप करना है PC पे जो कि होगा आपका ADB साइड लोड स्पेस। अब जो जो फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे निक गैप्स रिक्वायर्ड है उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, या फिर कोई रूट करने की जरूरत है तो उसकी फाइलें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कमांड ये सेम रहेगा, बस आपको 1x1 करके जो भी एक्स्ट्रा फाइलें हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फ्लैश करते जाना है 1x1, जैसे कि अभी मैंने रोम को फ्लैश किया है। सब कुछ फाइनल हो जाने बाद कंप्लीट हो जाने के बाद आपको बैक है और एक बार फैक्ट्री रीसेट कर लेना है सेम इसी तरीके से, और यहाँ पे है जो आपको रिबूट कर लेना है सिस्टम, कुछ ही देर में आपका फोन ऑन हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे इजीली। तो ये गाइड मैंने इसलिए बनाया है ताकि हर एक इस टाइप के रोम के फ्लैशिंग गाइड में मैं ऐड कर सकूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो कि लास्ट में फ्लैशिंग गाइड बता दिया करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये शूट करूँ ताकि हर एक वीडियो में ऐड कर सकूँ, आपको सेपरेट वीडियो जाके वॉच ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वाला फ्लैशिंग गाइड रहेगा तो वो तो मैं आपको अलग से दे ही दूंगा, लेकिन सिमिलर टाइप का रहेगा तो सभी के अंदर मैं यही है जो वीडियो ऐड करने वाला हूँ, इसलिए आपको फाइल पर फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है जो कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।